वेयर्स इस जगह से एग्जैक्टली कागान जो आगे लिखा हुआ है वो अंदर पे 22 किलोमीटर अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, अच्छा साथ ही देखें इसके पंप भी है, पेट्रोल और डीजल दोनों दस्तियाब हैं बिल्कुल उससे निकलते ही साथ। तो ये जहन में रखें कि आपको यहाँ से भी पेट्रोल मिल जाएगा। बाकी मौसम जो है मौसम ऑसम और वाओ वेयर्स दूर ग्लेशियर नज़र आने शुरू हो गए हैं। वो आपको इसमें पता नहीं पता चल रहा है या नहीं, लेकिन ग्लेशियर वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में ज़बरदस्त वही दरियाए कुनहार चल रहा है। अच्छा साथ ही आए वेयर्स और जगह का नाम है ओचरी। ओचरी ये देखें छोटा सा बाजार है और ये कोई मस्जिद भी है इधर, ये भी लिखा है जी बलाल मस्जिद ओचरी जगह का नाम। मैंने कहा कि आपको अपडेट कर दूँ आपको पता चलता जाए। और ये चंद छोटे समझें कि चिप्स वगैरह इस तरह के ये कोई खोखे से एक दो बने हुए हैं। अच्छा आगे भी कुछ शॉप्स वगैरह नज़र आई हैं, ये सब्ज़ी फ्रूट वगैरह की छोटी सी हैं। और आगे जनाब फिर ये चढ़ाई है, इधर मैं फिर आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। कागान 21 किलोमीटर लिखा हुआ है, नारान 44, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन आज की जैसा कि कागान है आपने देखा। और कागान तक जाएंगे और हम चाय वाय पियेंगे। और यहाँ मैं रास्ते में आपको दिखाता जाता हूँ कि और मज़ीद क्या आएगा यहाँ। अच्छा जी यहाँ भी हैं बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट बने हुए। इनफैक्ट व्यूअर जितना आगे जाते जाएं तो मौसम उतना ही ज़्यादा प्लेजेंट होता जाता है। थोड़ा आगे आए हैं जनाब ये फिर छोटा सा बाजार। अच्छा क्या नाम था अमजद भाई? जरीद नाम है वेयर्स इस जगह का। और जगह क्या बस आप देख लें कि ये भी एक यूं बाज़ार ही है, कंपैरेटिवली जो पीछे था उसके नस्बत थोड़ा सा बड़ा है। ये मैं देखें लाइनें क्यों लगी हुई हैं। अच्छा जी ये देख लें बाज़ार इधर काफ़ी कुछ है कंपैरेटिवली बड़ा। आप ये देखें कि इस तरह की चंद शॉप्स हैं यहाँ। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। आगे भी एक जगह, अब वो मुझे थोड़ा टाइम लग गया ऑन करते हुए, वाटर क्रॉसिंग थी छोटी सी और उससे थोड़ा आगे आ गए। सीजी पे भी जा रहे हैं, दो बैठे हुए और ठीक ठाक जा रहे हैं। अच्छा आगे आके व्यूअर्स एक ये आसिम भाई आपको पता है कि ये कहाँ है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। तो चलें अगर आप में से किसी को पता हो व्यूअर्स में से तो बताएं, लेकिन हम लोग इधर ही सीधा ही जा रहे हैं। और क्या खूबसूरत रास्ता, मज़ीद बहुत खूबसूरत होता जा रहा है व्यूअर्स। ये देखें अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ, अब आगे एक और बाज़ार आया है और इस जगह का नाम अगर मैं महंदरी रोड, रोड महंदरी लिखा हुआ, महंदरी या महंदरी
अच्छा आगे मुझे फिर एक ब्रिज नजर आ रहा है, ये देखें जी काफी ब्रॉड ब्रिज है और ब्रिज के इस साइड पे भी शॉप्स, उस साइड पे भी शॉप्स, आपको दिखा दूं बिल्कुल जी बाजार छोटा सा और ये वही महंद्री चल रहा अभी। ऐसा जबरदस्त व्यूअर्स आ गया, आके व्यू पानी का मैं आपको दिखाऊं, आप जितना भी देख सकें। और अभी खैर नहीं आया कागान, ये एक और कुछ छोटा सा एरिया आया, कागान वैली रोड ही है ये, यानी इसी नाम से है ये। और क्या है कि यहाँ पे बस ब्यूटी बढ़ती जा रही है। और हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ कि धूप में जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी है, यानी डायरेक्ट आपको जो धूप लगती है वो काफ़ी लग रही है। बस ये जो है तो ये आके दो कोस्टर्स आपस से हेलो है कर रहे हैं, गलत बात है। अच्छा वो देखें व्यूअर्स, वाह ओ हो जबरदस्त व्यू, वाह। कल तक ये ग्रुप एक्टिव करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर दूंगा, ठीक है। देखें जी व्यूअर्स व्हाट्सएप के ग्रुप जो है ना हमारे, व्यू देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा और आगे आए और कुछ ना पूछें कि खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अभी कागान नहीं आया, अभी थोड़ी दूर है, लेकिन आपको बताऊं कि जो पहाड़ का होता है ना रास्ता वो काफ़ी ऐसा कवर होता है, ऑल्दो कोई ऐसी ट्रैफिक नहीं है जितना हम समझ रहे थे, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन खूबसूरती आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे। और ग्रीनरी पहाड़ दूर तक आप देखें कि क्या व्यू है ज़बरदस्त। अब सर आपका GPS क्या कह रहे जी आसिम साहब, हाउ मच फर्दर? 10 किलोमीटर चली, 20 मिनट, 10 किलोमीटर 24 मिनट कम से वाओ। फिर आगे आए, जगह का नाम है खनियान और बिल ओहो वो क्रॉस वहाँ पे अगर हम जब भाई देखें तो बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन यूँ ना देखें। और ठहरने के लिए ज़बरदस्त जगह व्यूअर्स कागान से पहले, और वाओ बहुत ज़बरदस्त जगह है। और अच्छा ये क्या लिखा हुआ है होटल, सर वो जो होटल था ना आर्केडियन और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे उसका नीचे का रास्ता था। हाँ रास्ता है वो यानी पुल जा रहा है जी, लेकिन वो ये था कि शायद मे बी आपको वापसी भी नहीं मिलाएगा, मे बी अगर हम वहाँ चाहे पीते लुक एट दिस, वाह व्यूअर्स। इधर से अब मतलब के समझे कि जो ब्यूटी है वो यहाँ से शुरू हो रही है। एग्जैक्टली जी, हम लोगों का मिशन है व्यूअर्स खास आपके लिए कि कागान आपको कागान तक टच किया जाए, कोशिश इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमजद भाई की पूरी कोशिश है कि हमें तो। मैं तो बाबू सर टॉप के लिए आया था यार, क्या हो गया जी? बाबू सर टॉप भी इंशाल्लाह आपको कराएंगे जब आप कहेंगे, क्योंकि आपको घर में मेरा बताना पड़ता है बहाने से, हालांकि प्रोग्राम आपका होता है। और बेसिकली ये प्रोग्राम जी जी इनका था, बेसिकली इनका था
उसमें आए, लेकिन यस वी एंजॉयड अ लॉट। ये प्रोग्राम हमने सही कहा था, हम तो मुनाल जा रहे थे। हाँ ये है कि बिल्कुल हम लोगों का था छोटा मोटा, इन्होंने कहा यार निकलो घर से क्या करते हो, तो इसलिए हम इधर आ गए। खैर और फिर चलें थोड़ा आगे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि खूबसूरती कैसी है यहाँ की। अच्छा थोड़ा सा व्यूअर्स आगे आए हैं और खैर बड़ी खूबसूरत जगह बैठने की। अच्छा क्या है कि वाटर क्रॉसिंग है, अब जिनकी छोटी सी है लेकिन जाहिर है फिर भी कार्स जिनकी हैं उनको बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। और व्यूअर्स ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखें पानी, कार को एहतियात से गुजारना है, छोटा सा रास्ता है और यस और आगे क्लियर है बिल्कुल। ये देखिए अच्छा यहाँ पे अब व्यूअर्स अब मौसम बना है, अब मज़ेदार काम हो रहा है, यानी कि अच्छा ये वापसी पर भी हमें फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ सिंगल वे यस एग्जैक्टली। और क्योंकि कार्स को आराम से गुजरना पड़ता है, बम्पर टकराते हैं और अक्सर करोलास का यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ उनके बम्पर फारिग हो जाते हैं। एक्वा प्रियस और जो सिविक है वो ज़रा एहतियात से आए यहाँ, मैं तकरीबन रिकमेंड नहीं करता। खैर ये प्रियस गई है लेकिन लिफ्ट करवाई हुई थी। अच्छा जी जी सिविक वाकई आप सही कह रहे हैं, यस पैचेस रिपेयर हो रहे हैं, दिस इज गुड, मौसम बन रहा है। चंदन भी नज़र नहीं आई, ले जी सेविक कार, सेविक कार नाम लिया, सेविक आ गई जी, 005 नंबर है यस। BRV भी आ गई पीछे, करोला फ्लोरी नजर नहीं आई यार, सर फ्लोरी तो नई नई गाड़ी है, बड़ी देर हो गई स्कूटी भी नजर नहीं आई। थोड़ा सा व्यूअर्स आगे आए और जगह का नाम है लरी है या लाड़ी है या लारी है, और वैसे तो खैर कुछ भी नहीं यहाँ, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, बाहर से ही अपना आप भी दिखा देता हूँ। ठहरे इसकी सेल्फी स्टिक खोलते हैं, ये देखें जी ये ऊपर से, और ये इधर देखें, मौसम जरा बादल से आ गए हैं, धूप नहीं है इसलिए अब मौसम जरा मजा कर रहा जी। शूट मैं आपको बता दूं हीरो 9 पे हो रहा है, हीरो 9 की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा, और वजह यह कि बैटरी काफ़ी बड़े साइज़ में इसकी सबसे महंगा ये जी। थोड़ा और आगे आए और वे क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल के, आई डोंट नो अब ये क्या है कि ये आ गया या नहीं जी। पानी तो डेफिनेटली ये साफ़ ही होगा, मैं आपको दिखाऊं व्यूअर्स के ये देखें कि पानी, ये पानी गिर रहा है, वाटरफॉल वाओ। और हाँ जी अब ये है कि साथ ही है जो कागान है, अब एमजी भी नज़र आ गई है, ग्लोरी नज़र आ गई सर, लेकिन ये जबरदस्त जगह है। आप लोग आए जब भी आए आप लोग यहाँ स्टे करें, हमारा स्टे इस्लामाबाद में जी, हम लोग तो उधर आइए साफ नहीं है, पानी पीने का नहीं है भैया।
भाई दिन ही जा रहे भाई जान। वेयर्स कागान आ चुका है और यहाँ से फिर सीनरी भी ज़बरदस्त है। अब हमने वहाँ रुकना है जो ज़रा खुली थोड़ी जगह हो, कोई चाय की, यानी बाजार में नहीं, जहाँ से हमें व्यू मिल जाए और साइड पे व्यू बहुत आगे रहेगा। मैं समझता हूँ यहाँ रुकते हैं, ये रूफ टॉप पे वहाँ पे तो कोई लेफ्ट पे हो ना, लेफ्ट साइड से व्यू होगा। देखें आगे है लेफ्ट पे थोड़ा सा आगे, और ये वाला है अगर कहते हैं ये पहले वाला अमरात होटल, चाय पीनी सर आसिम हम जितना आगे जाएंगे ना तो यानी हमारी जहाँ पिक्चर तो अच्छी आ रहे हैं ऐसी जगह पे रुकते हैं। यहाँ पे जहाँ बैठेंगे ना ये आपको रूफ टॉप मिल जाएगा जी। बस ये बाजार ख़त्म होते ही कई दफ़ा होता है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे होती है कोई, जहाँ तो नार रिवर रोड के साथ टच हो रहा है बस वो जगह, क्योंकि हम बहुत अब रिवर से बहुत इस तरफ आए लें जी। व्यूअर्स पहुँच गए, जा गया ये नीचे से वो पानी वो ये रीच डॉट पॉइंट। ओह यस ब्यूटीफुल ज़बरदस्त जगह। ये है जी व्यूअर्स देख लें कागान जी सर, क्या कागान आपको मैं दिखा दूं जी। हमने भाई आगे कई दफ़ा होता है कि कोई जगह होती है जब ये बाजार ख़त्म होता है तो साथ ही बनी होती जहां बैठ के चाय पी सकते हैं ताकि हम उसके भी करीब हों, वो देखें जैसे पानी के करीब हों। व्यूअर्स ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं, ठंडी घटाएं चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हम फिर घुमा देते हैं कैमरा और अब हमने क्या देखना है कि बस साथ ही हमें कोई मिल गया, ना मिला तब भी खैर है क्योंकि जहाँ हम पिक्चर्स हम जहाँ खींच सकें। देखें जी कागान को देखें, अभी उतर के भी आपको दिखाता हूँ। लें जी व्यूअर्स इधर हम रुके हैं, चाय इधर हम पियेंगे। देखें जी ओवरऑल एक आपको लुक दिखा दूं, दिस इज़ कागान, ब्यूटीफुल वैली ऑफ कागान ये आप देख रहे हैं। ये तो ठीक है ना, मसला तो नहीं है। यहाँ पे एक है जनाब क्या लाहौर होटल लिखा हुआ, यहाँ पे हम लोग पियेंगे चाय। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी व्यू, ये देखें दरियाए कुनहार को करीब से देख लें और पकड़ लें ये साथी मेरे। देखिए नहीं सर बिल्कुल एक्सपीरियंस जी जी। आसिम भाई बताएं जगह का, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है और आपको वहाँ पे हिल्स नज़र आएंगी, उन पे बर्फ़ हमें यहाँ से नज़र आ रही है, इसका मतलब है बापूसर टॉप पे बर्फ़ है और वो बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, तो सारा जो इस वक्त कुनहार जो रिवर है वो पानी से आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा है और उस और हमें यहाँ पे जो बर्फ़ानी हवाएं हैं ठंडी ठंडी एयर कंडीशन वो हमें मिल रही हैं और तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप बहुत इन्जॉय करेंगे
जी जनाब, पहले तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग जो हमने सोचा था कि वाई तक, उससे हम काफ़ी आगे आ गए और कागान, इस टाइम हम कागान में हैं और वेरी प्लेजेंट एवरीथिंग, द वाटर, द हिल साइड व्यू, द वैलीज, द ट्रीज, द नेचर, द ग्रीनरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी जगह है। और ये जून का महीना है और जुलाई का महीना है और प्लस जो है ये द वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट। अच्छा जी, कोई वासिम भाई मुझे ख़ास पैगाम? मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली हम तीनों ने जो प्लान बनाया उसमें मेरा पॉइंट था कि हम मुनाल तक चले जाएं और फिर नईम साहब ने कहा नहीं यार हम नसिया गली चले जाते हैं, मगर अमजद भाई ने कहा कि यार ये तो दोनों जगह हमने देखी हुई हैं तो हमें एक नई जगह, स्पेशल जगह पर जाना चाहिए। तो बस हम सुबह सुबह निकले हैं 7 बजे और हम यहाँ पहुँच गए और बड़े अच्छे टाइम पर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से हम चाय वगैरह पी के यहाँ से वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे। आप फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ पर स्टे करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और व्यर्स अमजद भाई, हम ये भी बताएंगे कि कितने किलोमीटर्स है यहाँ से गाड़ी में देख के? अबाउट 225 प्लस है, लेकिन एग्जैक्टली अब नहीं पता क्योंकि हम काफ़ी आगे आ गए, तो इंशाल्लाह जब हम दोबारा बैठते हैं तो हम उसको ऑडोमीटर को रीड कर लेंगे। तो लेकिन इसमें ये भी है कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 339 और हमने खाना भी खाया, बीच में टी ब्रेक भी लिया, ये दोबारा टी ब्रेक ले रहे हैं, तो मतलब इतना रश भी करके नहीं आए, लेकिन ये तकरीबन आप ये कहें कि 4 का टाइम हो गया। नईम साहब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो एक सामने ऊपर वाला आप व्यू दिखा दें, वो बहुत बहुत प्यारा व्यू है। आई डोंट नो कि कैमरा कैप्चर कर सकता है कि नहीं, लेकिन इस अगेन जुलाई के महीने में ये व्यू देख के इट इज़ अनबिलीवेबल। इसकी जो ब्यूटी है, ट्रैंक्विलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी। और एक अच्छी बात है, अभी तक हमने इतनी पोल्यूशन और वो डेब्री नहीं देखी, ये एक अच्छी बात है। ये हमने मिलजुल के सब ने, हमारा मुल्क है और इसको हमने नीट एंड क्लीन रखना है। बहुत बहुत प्यारा जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, एग्जैक्टली। और वो तो सनलाइट जी, और वहाँ पे तो सनलाइट भी है, वेरी नाइस जी, बहुत प्लेजेंट। और अब मेरा ख्याल है नईम साहब आप भी बैठे हैं, एंजॉय द व्यू जी। व्यूअर्स, तो अब हम बैठते हैं और ज़रा चाय वाय पीते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। अब यहाँ पे अमजद भाई चाय पी रहे हैं और जनाब मैं, क्योंकि वो ले आया 2 चाय, अब मैं ये पी रहा हूँ स्टिंग, क्योंकि चाय में लगना था काफ़ी टाइम।